इन्ना फताना फतोन मुबीन। जय शिवराज, जय भीम। मैं देश जनित पार्टी का उम्मीदवार एडवोकेट इंजी खान उत्तर विधानसभा से निवडणूक में, ये विधानसभा निवडणूक में लड़ रहा हूँ। और मैं ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए ही कि नहीं ये निवडणूक लड़ रहा हूँ। और आज तक जो भी पार्टियों ने कि नहीं, पिछले जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने अलग अलग वादे करे वाले हैं। पिछले अपन कार्यकाल अगर देखेंगे पार्टियों का, तो कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ है कि नहीं कौन किसका मुख्यमंत्री बनेगा इसके वास्ते लड़े वाले हैं। और जनता की जो भी अड़ी अड़चन है उसको एक नहीं, ये पिछले पार्टियों ने एक नहीं पूरे तरीके से भूल गया है। सिर्फ सत्ता में हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, तुम्हारा मुख्यमंत्री रहेगा, और जनता को पूरे तरीके से भूल गए। और नांदेड़ के अंदर ख़ास तौर पर जो भी एक नहीं आमदार और खासदार बन रहे वो सिर्फ और सिर्फ नांदेड़ के लोगों के एक नहीं वोट ले रहे। और नांदेड़ में विकास के नाम पे एक नहीं ज़ीरो विकास एक नहीं नांदेड़ में है। नांदेड़ को पिछले टाइम पे बोला गया कि भाई नांदेड़ को हाईटेक सिटी बनेंगे, और जो है सेंट्रल से एक नहीं नांदेड़ को गोद लिया गया। और एक जो अपने नांदेड़ के एक नहीं जो बड़े नेता है उन्होंने भी बोले कि भाई नांदेड़ को मैंने गोद लिया वाला हूँ, मगर विकास क्या हुआ नांदेड़ में? ज़ीरो। रोड वैसी है, ड्रेनेज लाइन कई एरियो में नहीं है। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जो जो भी एरिया है वहाँ पे है ना गुंटेवारी नहीं है। फिर उसके बाद एक नहीं कहीं पे विकास करना है तो एक नहीं किसी चीज़ की भी, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के एरिया एक नहीं पूरे पिछड़े रख दिए वाले हैं। तो इसके वास्ते एक नहीं जो जनता है कि भाई उनको बोलने वाला नेता होना, कि भाई विधानसभा में उनके आड़ी अड़चनों को बोलने वाला आदमी होना, और कायदे का जानकार होना, और अपने जो जो भी प्रतिनिधि रहेंगे वो अगर तुम्हारा पढ़ा लिखा रहेगा, जानकार रहेगा, तो उतना ही जनता का फ़ायदा होगा। इसलिए मैं निवडणूक के अंदर है कि नहीं मेरे पढ़ाई का फ़ायदा पूरी जनता को होना, और जनता के फायदे से ही देश का कल्याण होने वाला है। इसलिए मैं ये उम्मीदवारी में इलेक्शन में खड़े वाला हूँ। उत्तर में ऑलरेडी एक मुस्लिम कैंडिडेट है। उत्तर में जो मुस्लिम कैंडिडेट है कि आपका बोलना, आप जो बोल रहे हो, उत्तर में जो मुस्लिम कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी के आप जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार का आप अगर कार्यकाल देखेंगे, पिछले 50 साल का कार्यकाल उनके राज के क्षेत्र से है। पिछले 50 साल से उन्होंने एक नए देगलूर नाके को क्या विकास दिया ले? रोज़ एक एक्सीडेंट है, और रोड पे एक नए कई बच्चों का कत्ल हुआ आला है, गाड़ियाँ कुचल के चल जा रहे, बड़े आदमियों को एक नए कुचल के चल जा रहे। खाली एक्सीडेंट के अंदर कम से कम है ना पिछले मैंने एक नहीं 5-6 साल का एक नहीं मैं डाटा कलेक्ट करा, तो वो एक्सीडेंटों में 1000 से ज़्यादा एक्सीडेंट खाली देगलूर नाके पे हुए। तो आँखें बंद करके बैठे वाले हैं क्या? मेरा ये सवाल है उनसे। आपकी टक्कर किसके साथ? मेरी टक्कर है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ है कि नहीं जो भी हिंदुत्व पार्टी है कि नहीं चल रही, हिंदुत्व माइंड लेके कि भाई हम है कि नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कल ही मैंने न्यूज़ देखा अमरावती के अंदर कि राज ठाकरे ने बोले कि मैं कि नहीं मस्जिद पे के ऊपर के भोंगे उतार दूंगा। तो उन्हें भोंगे उतारने को जब भी नांदेड़ में आएंगे सबसे पहले मेरे ऊपर से उनको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद भोंगे उतरेंगे। तो नांदेड़ के अंदर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को मैं महफूज करने के लिए, दूसरे जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, इनको मैं स्वच्छ वातावरण देने के लिए, महफूज वातावरण देने के लिए मैं इलेक्शन में एक नहीं उम्मीदवारी में खड़े वाला हूँ। सर आखिरी सवाल, आप 22 साल बीजेपी में रहे, पार्टी में रहते हुए कभी आपने मुसलमानों के खिलाफ जो पार्टी की सरगर्मियाँ चल रही उसके ऊपर आवाज़ उठाया? नहीं, बिल्कुल आवाज़ उठाए वाले है। गिरिराज जो है कि नहीं एक व्यक्ति था रामगिरी महाराज, उसके ऊपर FIR फाड़ने वाला एक आदमी है कि नहीं मैं नांदेड़ में हूँ। कोई भी पार्टी कोई पक्ष नहीं कि नहीं रामगिरी महाराज के ऊपर FIR नहीं उठाया। और इसके पहले भी एक उत्तर प्रदेश का जो टकला है वो टकला भी है कि नहीं वो करा था, उसी टाइम पे भी उसके ऊपर FIR फाड़ने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूँ। ये कांग्रेस पक्ष और दूसरे भी इतर जो पक्ष हैं इन्होंने कभी कोई सौम्य भूमिका रखे आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? तो इनके ऊपर प्रतिबंध है कि भाई राहुल बाबा क्या बोलेंगे, सोनिया मैडम क्या बोलेंगे, प्रियंका मैडम क्या बोलेंगे। ऐसे कंडीशनों वाले आदमी को तुम है कि नहीं अगर तुम्हारा प्रतिनिधि बनेंगे, तो पिछले दिनों भी देखे आले कि भाई कई कांग्रेस के एक नहीं जो उम्मीदवार चुन के एक नहीं असेंबली में बैठते उनको बोलने का भी अधिकार नहीं रहता। तो ऑलरेडी जो आदमी एक नहीं गूंगा है वो गूंगा आदमी असेंबली में जाके और क्या बोलने वाला है? कुछ भी नहीं बोलने वाला है। आप लोग समझ सकते कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है कि कांग्रेस की विचारधारा पूरी अम्बेडकर डॉक्टर भाई भीमराव अम्बेडकर के अगेंस्ट में है। दो बार ये कांग्रेस ही जो उनको 1952 में, 1954 में, और ख़ास तौर से 1946 में, और उसके बाद है कि नहीं 1948 में, इतने टाइम अगेंस्ट है कि नहीं करने वाली एक कांग्रेस है। तो उनकी बुनियादी है कि नहीं कैसे है मालूम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमेशा विरोध में रह वाली है। तो आज कांग्रेस को एक नहीं अच्छा कैसा बोल सकते? कांग्रेस ने क्या करी? उनके कार्यकाल में एक नहीं बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया।
आज वो शहीद बाबरी मस्जिद का खून का जो इल्ज़ाम है वो कांग्रेस पार्टी पे, वो कांग्रेस पार्टी धो सकती क्या? 1952 किसके नाम से दंगल हुए? कांग्रेस के नाम से। आज तक कांग्रेस ने सिर्फ एक नहीं लड़ाओ और एक नहीं इलेक्शन में खड़े रहो, ये एक नहीं फूट डालो और हुकूमत करो की राजनीति कांग्रेस की है। और बाकी आज जो हम देश जनहित पार्टी के माध्यम से इलेक्शन में खड़े वाले हैं, हमारी देश जनहित पार्टी की घटना ये है कि हर समाज को मिलेगा न्याय, मराठा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, अल्पसंख्यक जितने भी समाज है उन समाज को देश जनहित पार्टी, आदिवासी लोग हो, हर समाज को एक ने न्याय मिलेगा। मेरा जो हाँ देश जनहित पार्टी का आपने मुझे एक नहीं मकसद पूछे, घटना पूछे, तो हमारा जो मकसद है स्पष्ट है कि हर समाज को न्याय दिलाने वाले हमारा जो भी पार्टी है। आज हमने एक नहीं, आज हम नांदेड़ को एक नहीं कैसा है मालूम क्या? सबसे पहला मकसद, अगर जिस दिन भी अगर मेरे को नांदेड़ की जनता ने अगर है कि नहीं मेरे को उनके जो भी अमूल्य वोट है वो वोट देने के बाद मुझे अगर है कि नहीं निवडणूक में मेरा साथ देती है और मैं जीत के आया तो आने के बाद सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मुसलमान जो मेरी बहनें हैं वो बहनों को एक नहीं मेरे पूरा मैं न्याय दिलाऊँगा। किस तरीके से न्याय दिलाऊँगा कि देगलूर नाके से उनको पढ़ाई करने के लिए दूसरे एरियो में आना पड़ता, दूसरे एरियो में आने की वजह से कैसा है मालूम क्या? उनकी महफूज नहीं रहने वाले हो। तो आज तक 50 सालों में 70 सालों में जो बड़े बड़े नेता नामचीन नेता हैं उनको याद नहीं कि एक कॉलेज एक ही नहीं देगलूर नाके के परिसर में बनाए, एक यूनिवर्सिटी एक ही नहीं उधर के परिसर में एक ही नहीं कुछ तो भी उसकी स्थापना करके मुस्लिम के लिए एक ही नहीं अपने बच्चियों को महफूज करने के लिए कुछ भी नहीं करे, अपने बच्चे हैं कि नहीं दूसरे एरियो में जाते। तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि देगलूर नाके के जो बच्चियाँ हैं जो भी मेरे उत्तर मतदार संघ के या फिर दक्षिण के बिरो दोनों को महफूज करने का मैं काम करूंगा और सबसे पहला कॉलेज मेरे कार्यकाल में मैं एक नहीं बनाकर दूंगा मुस्लिम समाज को। दूसरा काम ये करूंगा कि नांदेड़ के अंदर हर मुस्लिम समाज के जो भी एरिया है जो भी विकासशील एरिया हो रहा वहाँ पे एक नहीं नगर पालिका अड़चन कर रही कि हम एक नहीं गुंटेवारी नहीं देंगे, तो मेरा दूसरा काम ये गुंटेवारी का रहेगा कि मैं गुंटेवारी एक नहीं हर मुस्लिम एरिया में मैं गुंटेवारी को एक नहीं देने लगूंगा। तीसरा काम ये रहेगा कि आज तक तुमने देखे कि भाई शिवाजी नगर जो एरिया है, शिवाजी नगर एक ही गट में है, शिवाजी नगर का वो भाग और ये सेट महात्मा फुले का भाग दोनों भाग एक ही गट में रहने के बाद भी सिर्फ बीच का जो टुकड़ा है उसको इलीगल बना रहे और कोशिश कर रहे कि वहाँ शॉपिंग मॉल बनेगा और वहाँ के जो लोग स्थाई देश आज़ाद होने के पहले से है तो वो लोगों को उठाने का भी काम चल रहा है, प्लानिंग चल रही। तो मैं आज पूरी नया आबादी को एक नहीं जो भी है मैं लीगल करूंगा और पहले जीआर के ऊपर मेरी साइन रहेंगी और मैं उसको पूरा इलीगल करूंगा। ये हमारे मकासिद है। नांदेड़ में घरकुल का घर हर मुस्लिम दलित और अल्पसंख्यक समाज जो भी गरीब समाज है वो समाज को मैं देने का काम करूँगा। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए एक नहीं मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई मुझे आने वाले दिनों में मेरी निशानी जो है स्क्यूल ब्याग है और देश जनहित पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा विज़न है उसका और देश जनहित पार्टी के मेरे 8 नंबर का है कि नहीं मेरा जो बटन है वो बटन दबा के स्कूल बैग की निशानी के ऊपर मेरे को है ना मतदान देके आपके अमूल्य वोटों से मुझे जीता है।